सुदामा जी महाराज जब इतनी बात करते हैं द्वारपाल के साथ में, तो इधर अंदर सूचना जाती है, बोले महाराज आपका बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। तो भगवान ने कोई पार्शियलिटी नहीं की थी अपने भक्तों के साथ, अपने स्वर्ण सिंहासन से उठे और नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। अंदर लेके गए राजभवन में, बिठा दिया सुदामा जी को, अपने गले से लगाया। और जब गले से सुदामा जी को लगाया तो रुक्मणी आ गई। रुक्मणी रीजन पूछती है, बोले आप तो द्वारिका के राजा हो और ये कंगाल सा जिसके फटे पुराने वस्त्र आपने इसको गले से लगा रखा है, कोई रीजन तो होगा। तो कारण बताते हैं सुदामा जी महाराज के विषय में, पूरी स्टोरी बताते हैं, सुनिएगा क्या क्या दादा ने रागड़ी में लिख दिया, सुनो। पर तो सुदामा जी के मन में अभी कुछ शंका है, कुछ डाउट है,
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा कोई शंका ना कर, अपनी भाभी से डर मत, मैं हूं तेरी साइड। क्या समझाते हैं दूसरी बात में? जिस बीती उसी कह देनी थी, यार तलक करे था क्यों? भूखा रह के ब्रह्म हत्या का मेरे सिर पे दोष करे था क्यों? अरे चूल्हे तक की दौड़ तेरी, रुक पड़ते घना डरे था क्यों? चूल्हे तक की दिया था, तो ठाकुर जी हंस दिए। तीसरी बात में यूं समझाते हैं रुक्मणी को कि मैं निराकार हूं, कोई भी आकार में मैं परिवर्तित हो सकता हूं और साकार रूप में भी मैं अपने भक्तों के लिए आता हूं। सुनेगा तीसरी बात में के बता दिया। भूख हरा दे किसकी गजा लुकी से, भूखे सो जा पूत पिता के उनका जन्म सुखी से, अरे महादुखी मिस रानी घर में रह क्यों कर चाल रुकी से। मन निराकार साकार कहे, निराकार साकार कहे जो चतुर्भुज जी कहलाऊं सूर। बालक पड़को यार सुदामा, यूं छाती कहलाऊं सूर। बालक पड़को यार सुदामा, यूं छाती कहलाऊं सूर। आउट हो गई, तेरा और इसका भी एक रिश्ता था, वो रिश्ता क्या था, क्या पैर बांधा गया था, यहाँ अंतिम कली में दादा मांगे राम जी ने निचोड़ कर दिया। और क्या बता दिया, यो उस बरगु का, यो उस बरगु का पोता रुक्मण,
बरगू का पोता रुकमणि जिसने मारी लात दे मेरे लागी तू रोई थी दुख हो गया थपाट तेरे छो में आ तने शाप दे दिया ना पर गोकुल में आवा